दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि WWE में ऐसे कौन से भारतीय रेफरी हैं जो कि काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों WWE पर दो भारतीयों ने रेफरी का काम कर चुके हैं जिसमें एक करंट टाइम में कर रहे हैं। तो दोस्तों नंबर एक पे हैं डैरियल शर्मा जो कि WWE में बहुत ही पुराने रेफरी हैं जो कि NXT पर करंट टाइम में काम कर रहे हैं मेजर रूप में। तो दोस्तों ये एक पहले रेसलर भी रह चुके थे। इनकी उम्र अभी दोस्तों लगभग 40 वर्ष है और इनका डेब्यूट हुआ था दोस्तों 2002 पर जो कि रेसलिंग करे। दोस्तों इन्होंने साल 2016 पर रिटायर्ड हो गए थे और साथ ही साथ उन्होंने साल 2016 पर रेफरी डेब्यू किए थे रेफरी के रूप में WWE NXT के रूप में इन्होंने डेब्यू किया था। तो दोस्तों इनका कैरियर काफ़ी अच्छा रहा रेफरी के तौर पर क्योंकि दोस्तों इनको NXT पर काफ़ी अच्छा मेजर रोल दिया गया है जो कि रेफरी का दिया गया है जो कि मेन रेफरी है NXT पर। दोस्तों अभी करंट टाइम में ये WWE के NXT पर शानदार काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर मेन रोस्टर पर भी काम करेंगे। और दोस्तों डैरियल शर्मा को ज़्यादातर देखा गया है बड़े बड़े शो पर जो कि काफ़ी अच्छे बड़े बड़े NXT पर शो कराए जाते हैं, उनको मेन रोल दिया जाता है जो कि रेफरी के तौर पर किया जाता है। और दोस्तों हमारे इंडियन रेसलर के साथ भी डैरियल शर्मा रह चुके हैं जो कि WWE के हमारे ट्राई आउट इंडिया में भी रह चुके हैं और साथ ही साथ सुपरस्टार स्पेक्टिकल में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा जब डैरियल शर्मा हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेफरी के तौर पर NXT पर काम कर रहे हैं। दोस्तों नंबर दो पर हैं संजना जॉर्ज। इनकी उम्र है लगभग 27 वर्ष और दोस्तों ये MMA फाइटर रह चुकी हैं जो कि इंडिया की रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म हुआ है केरला इंडिया पर। दोस्तों साल 2019 पर इंडिया ट्राउ आउट जब हुआ था तब ये संजना जॉर्ज को सिलेक्ट किया गया था और साथ ही दोस्तों दो साल बाद इनको WWE ने साइन कर लिया था जो कि साल 2021 पर साइन किया था। दोस्तों इनका करियर काफ़ी छोटा रहा क्योंकि दोस्तों इनको 2021 पर उनको साइन किया गया था और साथ ही साथ दोस्तों 2022 पर इनको रिलीज़ कर दिया गया था। पता नहीं WWE ने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों इनको एक बार मौका मिला था साल 2022 पर ही WWE के रेफरी का मौका मिला था जब इनको NXT लेवल अप पर रेफरी का रोल दिया गया था जो कि एक ही मैच पर था दोस्तों लगभग। और साथ ही साथ दोस्तों इनको 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये दूसरी ऐसी WWE सुपरस्टार थी जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए रेफरी का रोल निभाया। दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।